दोस्तों, इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 160 सीसी सेगमेंट में परफॉर्मेंस स्ट्रीट बाइक की अगर बात करें तो जिस बाइक का नाम सबसे पहले आता है वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V। टीवीएस मोटर्स ने अपाचे आरटीआर 164V को हाल ही में अपाचे आरटीआर 204V एंड जुपिटर क्लासिक के साथ BS6 अपडेट दिया है। TVS Apache RTR 164V को BS6 compliant इंजन के अलावा कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल अपडेट भी मिला है। कुछ दिनों से आप सभी का रिक्वेस्ट था कि मैं जल्द से जल्द TVS Apache RTR 164V BS6 वेरिएंट का रिव्यू बनाऊं। और जैसे ही ये बाइक शोरूम में आया, मैं आपके सामने दी ऑल न्यू TVS Apache RTR 164V का रिव्यू लेकर आ गया हूं। TVS Apache RTR 164V BS6 दो वेरिएंट में अवेलेबल है। एक है सिंगल डिस्क वेरिएंट और दूसरा है ड्यूअल डिस्क वेरिएंट। इसके अलावा ये बाइक रेसिंग रेड, मेटालिक ब्लू एंड नाइट ब्लैक इन तीन डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में मैं TVS Apache RTR 164V BS6 का प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस बाइक में नया फीचर्स क्या क्या ऐड हुआ है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए और मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो BS4 TVS Apache RTR 164V से लगभग 8000 रुपीस प्राइस इंक्रीज हुआ है। TVS Apache RTR 164V BS6 सिंगल डिस्क वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस कोलकाता है 1,02,250 रुपीस और ड्यूअल डिस्क वेरिएंट का एक्सोरूम प्राइस रखा गया है 1,05,250 रुपीस। ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। दी ऑल न्यू TVS Apache RTR 164V BS6 रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन यानी RTFI टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। RTFI एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके चलते ये बाइक और भी फ्यूचरिस्टिक पावरफुल रेसिंग मशीन बन जाएगा। TVS Apache RTR 164V BS6 में 159.7 cc ऑयल कूल्ड 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड O3C इंजन मिलेगा जो 8250 RPM में मैक्सिमम 11.78 किलोवाट और 16.02 PS पावर एंड 7250 RPM में मैक्सिमम 14.12 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा। O3C टाइप इंजन में एक ऑक्सीजन सेंसर एंड हाई कंप्रेशन होता है जिसके लिए इस टेक्नोलॉजी का इंजन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ फेदर टच स्टार्ट भी प्रोवाइड करता है। इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स का यूज हुआ है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस बाइक में GTT फीचर्स यानी गाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगा। इस सेगमेंट में पहली बार GTT फीचर्स का यूज हुआ है और ये फीचर्स सिटी ट्रैफिक में आपको एक स्मूथ एंड कंट्रोल्ड राइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा फीचर्स है जिसके मदद से बिना थ्रॉटल घुमाए सिर्फ क्लच लीवर को छोड़कर आप स्लो मूव कर सकेंगे। हेवी ट्रैफिक में ये फीचर्स बहुत ही मदद करेगा। इस फीचर्स में फास्ट गियर में 7 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड गियर में 12 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड गियर में 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बाइक चलेगा, वो भी विदाउट थ्रॉटल। TVS Apache RTR 164V BS6 वेरिएंट अभी सिंगल चैनल सुपर मोटो ABS के साथ आ रहा है। सुपर मोटो ABS यूनिट को नई टेक्नोलॉजी में बनाया गया है और रेस ट्रैक में भी टेस्ट किया गया है। ये ब्रेकिंग सिस्टम आपको एक अल्टीमेट ब्रेकिंग प्रोवाइड करेगा।
मैंने वीडियो का शुरू में ही बताया था कि TVS Apache RTR 164 BS6 दो वेरिएंट में अवेलेबल है। अभी आप डुअल डिस्क वेरिएंट को देख रहे हैं। इस बाइक का फ्रंट व्हील में डुअल पिस्टन कैलिपर 270 मिलीमीटर रोटो पेटल डिस्क ब्रेक विद सुपर मोटो ABS मिलेगा। ABS सेंसर प्लेट के ऊपर एक कवर भी यहाँ पे मिलेगा जो डार्ट एंड मड से इस प्लेट को प्रोटेक्ट करेगा। इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 200 मिलीमीटर रोटो पेडल डिस्क ब्रेक मिलेगा। ओवरऑल लुक्स की बात करें तो दोस्तों TVS Apache RTR 160 BS6 वेरिएंट में सिर्फ स्टिकर्स एंड ग्राफिक्स को बदलाया गया है। अभी आप रेसिंग रेड कलर देख रहे हैं। फ्रंट की तरफ देखें तो एक नया हेडलाइट सेटअप आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट का साइड काउल बॉडी कलर से मैच्ड है। फ्रंट मडगार्ड भी बॉडी कलर जैसा ही है और इसके ऊपर TVS रेसिंग ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। TVS Apache RTR 164 BS6 में 12 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक मिल जाएगा। टैंक का मिडिल में व्हाइट कलर का डिजाइन मिलेगा और उसके ऊपर में रेसिंग स्ट्राइप्स भी दिया गया है। टैंक का दोनों साइड में ब्लैक कलर में TVS का 3D हॉर्स लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड की तरफ देखें तो ब्लैक कलर का एयर स्कूप एंड व्हाइट कलर का रेसिंग स्ट्राइप दिया गया है। साइड पैनल सिल्वर कलर का है और इसमें स्टिकर से Apache ब्रांडिंग किया गया है। टेल काउल की तरफ देखें तो टेल काउल में 164 भी ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक में एक बेली काउल भी दिया जाता है जो इस बाइक को एक एग्रेसिव लुक्स दे रहा है। इस बेली काउल की राइट साइड में हाइपर एजिंग एंड BS6 ब्रांडिंग और लेफ्ट साइड में RTFI एंड हाइपर एजिंग ब्रांडिंग मिलेगा। TVS Apache RTR 164 BS6 में न्यूली डिजाइन्ड रेसिंग टाइप ड्यूअल टोन कलर का सीट आपको मिल जाएगा। ब्लैक एंड एश कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक लग रहा है। रियर में एक मेटल ग्रैबर भी यहाँ पे दिया गया है। फ्रेम एंड सस्पेंशन की तरफ देखें तो दोस्तों TVS Apache RTR 164 BS6 में अभी रेसिंग ओरिजिन स्प्लिट क्रैडल चेसिस का यूज हुआ है जो इस बाइक की स्टेबिलिटी पहले से 25% बढ़ा दिया है और ऐसा चेसिस इस सेगमेंट का कोई भी बाइक में आपको नहीं मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ साथ रियर में मोनोट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन के साथ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और इसी के चलते एक बहुत ही बढ़िया कंफर्टनेस आपको मिल जाएगा। TVS Apache RTR 164 BS6 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर है। व्हील बेस है 1357 मिलीमीटर। सीट हाइट है 800 मिलीमीटर एंड कार वेट है 147 kg। चलिए आप बात करते हैं इस बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हेडलाइट यूनिट को लेकर। TVS Apache RTR 164 BS6 में क्लॉ टाइप LED DRL के साथ यूनिक शेप फुल्ली LED हेडलाइट यूनिट मिलेगा। ये हेडलाइट अच्छी विजिबिलिटी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस फोकस भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ यही नहीं, ये डिजाइन इस बाइक को एक प्रीमियम लुक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। इंडिकेटर्स की बात करें तो क्लियर लेंस वाला नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में ही मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में फुल्ली LED टेल लाइट का यूज हुआ है जो पीछे से बहुत ही यूनिक दिखता है। स्विच कंसोल की तरफ देखें तो प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल इस बाइक में दिया गया है। लेफ्ट साइड में पास बीम, हाइलो बीम, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच एंड राइट साइड में इंजन किल स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो येलो बैकलिड वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में मिलेगा। बाइक ऑन करते ही ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 3, 2, 1 गो दिखा के
आपको वेलकम करेगा। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लैप टाइमर, 0-60 टाइमर, टॉप स्पीड रिकॉर्डर जैसे यूनिक फीचर्स के साथ साथ रेव काउंटर, टाइम, स्पीडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, फ्यूल स्टेटस, ओडोमीटर जैसे फीचर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर जैसे कॉमन फीचर्स भी मिलेगा। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BS6 डुअल डिस्क एडिशन का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। रिम का साइड बीट में टीवीएस रेसिंग ब्रांडिंग भी किया गया है। रियर व्हील टायर की बात करें तो रियर व्हील में 130x70 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। और दोस्तों यहां पे भी रिम का साइड में टीवीएस रेसिंग ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट एंड रियर दोनों रिम ही 17 इंच डायमीटर वाला है। रियर व्हील में एक टायर हगर भी आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते रियर साइड की दोनों तरफ येलो रिफ्लेक्टर एंड रियर में रेड रिफ्लेक्टर भी ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था दी ऑल न्यू टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BS6 डुअल डिस्क वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। मुझे तो ये बाइक बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा और इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। टीवीएस अपाचे आरटीआर 164B BS6 सिंगल डिस्क वेरिएंट का रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आए आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।